हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो मैंने आपको लास्ट जो मैंने आपको वीडियोस दिया था कल रात में, मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आज से यानी 2 फरवरी से फिर से न्यू एप्लीकेशन को सबमिट करेगी। जो कैंडिडेट का नाम नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, उसके लिए प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी। और जिनका किसी भी कारणवश कुछ फॉल्ट हो गया या फिर आपका अलॉटमेंट आया, आपने पेमेंट नहीं किया कॉलेज के पोर्टल पर, किसी भी रीजन्स की वजह से अगर आपका एडमिशन छूट गया है, देन वो सारा प्रोसेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए लाने वाली थी। तो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सारे प्रोसेस को ला चुकी है। किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा आप टाइम देख सकते हैं, 3:58 हुआ है। मैंने आपको एग्जैक्ट कल लास्ट नाइट वीडियो में आपको बताया था कि शाम के 4 बजे से लगभग सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। बट नोटिस 4 बजे से पहले आ चुका है, सारा नोटिस में पूरा प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए। पूरे प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप खुद से भी सारे जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करते हुए आप अपना एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है वो सबमिट आप कर पाते हैं। अगर आपको फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सबमिट करने में, देन आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का जो भी सारा एप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर होगा वो आंसर के थ्रू आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज, चलते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशंस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए रिलीज की है रिगार्डिंग द पीजी एडमिशंस। चाहे वो रेगुलर कोर्स की बात हो या फिर वोकेशनल कोर्स की बात हो, हर कोर्स के बारे में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर पूरे प्रोसेस को बता चुकी है। तो चलते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं क्या कुछ नोटिस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आपके लिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस फॉर अ स्टूडेंट ऑफ पीजी रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स करके इस तरीके से एक मैसेज जिसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है। मेंशन वाले हर एक पॉइंट को सही से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यही आपके सारे प्रोसीजर्स का मेन बेसिक है। तो बेसिक अगर आप सही से समझिएगा तो फिर आप अप्लाई सही तरीके से कर पाइएगा। और ये जो नोटिस है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं और इस पूरे पीडीएफ को आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार से आपको पढ़ने की आवश्यकता न हो। सबसे पहले जो हेडलाइन बना है, हेडलाइन में बेसिकली 3 टाइप का स्टूडेंट के लिए हेडलाइन है। पहला, वैसे स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर हो रखा है, मतलब जिनके पास लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है, उसके लिए 2 क्राइटेरिया, यानी जिनके पास लॉगिन आईडी है, यानी कह सकते हैं जो कि अभी रिन्यूअल करवाएंगे, मतलब जिनका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड उसके पास है। और उनका क्या सिचुएशन, 2 सिचुएशन हुआ था, एक तो जिनका अलॉटमेंट आया और एक सेकंड सिचुएशन जिनका अलॉटमेंट नहीं आया, यानी एक सेकंड सिचुएशन जिनका अलॉटमेंट नहीं आया। तो इस टाइप से हो गया, ये 2 सिचुएशन यहाँ पे आपका हम लोग देख लीजिए कि जिनके पास लॉगिन आईडी है उनके लिए 2 सिचुएशन, एक तो जिनके पास आईडी है या कह सकते हैं जिनके पास अलॉटमेंट है, और एक ऐसे जिनके पास अलॉटमेंट नहीं है। सेकंड, वैसे जो फ्रेश एप्लीकेशन अभी सबमिट करना चाहते हैं, मतलब पिछले टाइम जो एप्लीकेशन सबमिट करना था डेट पे आपको 26 तक का टाइम मिला था, तो जिसने जिन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया था उनका अभी एक और सिचुएशन होगा जो कि कहलाएगा फ्रेश एप्लीकेशन। यानी टोटल 3 टाइप्स के स्टूडेंट हैं और तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए ये बताया गया है, सबसे पहले बता दें कि अभी विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर सभी स्नातकोत्तर जितना भी पीजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में या जितना भी कॉलेज है सबका आपको विषयवार कोटिवार सीट दर्शाया गया है। विषयवार करने का मतलब है सब्जेक्ट वाइज और कोटिवार का करने का मतलब है कैटेगरी वाइज। ये दोनों सीट को, जो सीट का जो पूरा सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स कॉलेज की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गया है। तो अभी हम लोग इसके बाद सीट के मैट्रिक्स को भी देखेंगे कि क्या कुछ सीट का मैट्रिक्स है और ये सीट का मैट्रिक्स आपके लिए कितना इफेक्ट करता है। इसके बाद बात की जाए सेकंड पॉइंट के बारे में, तो सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है, यही प्रोसेस बताया जा रहा है आपको कि जिनका भी, जैसे मैंने अभी बताया था कि 3 कैटेगरी का स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, एक जिनके पास लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी है बट अलॉटमेंट आया, और एक ऐसे कैंडिडेट जिनके पास लॉगिन आईडी है बट अलॉटमेंट नहीं आया, और एक ऐसे कैंडिडेट जिनके पास लॉगिन आईडी नहीं है, मतलब फ्रेश एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, सबके लिए एक डेट मिला है इस पोर्टल पर काम करने का। वो डेट है आपका 3/2/22 से 7/2/22। तो कह सकते हैं पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको लाइव करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये कल से स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया है और उम्मीद है कि कल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर हम आपको लाइव वीडियोज ला करके पूरा प्रोसेस समझा करके आपको सारा स्टेप्स दिखा देंगे। फिलहाल मैं आपको सही से पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। और इसमें जो कैंडिडेट के पास लॉगिन आईडी है और जिनका अलॉटमेंट आया या फिर जिनका अलॉटमेंट नहीं आया, उनका मिलने क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनका प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका नाम में गलती हो, पिता का नाम में गलती हो, माता का नाम में गलती हो, जन्मतिथि में गलती हो, जाति में गलती हो, या फिर सब्जेक्ट जो विषयवार जो आपने अंक दिया उसमें गलती हो, किसी भी प्रकार का आपका त्रुटि हो, किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो, तो इस रेस्पेक्टेड डेट में आप अपने सारे डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया। बात करें यूजर आईडी के बारे में, तो 21 टिकर के जो यूजर आईडी है वो आपका ट्रेडिशनल कोर्स के लिए है, एमएससी एमकॉम के लिए है, वहीं 21 बीकर के जो आईडी है वो आपका वोकेशनल कोर्स के लिए है, जैसे ब्लीस हो गया, आपका एमबी हो गया, ये जो सारा आईडी एंड पासवर्ड है वो आपका वोकेशनल कोर्स के लिए है। तो ये सेकंड पॉइंट को समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका नामांकन यानी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, यानी एडमिशन का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गए थे, वो भी काम कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रख करके जो कॉलेज का प्रेफरेंस है उसको दीजिएगा, सीट के मैट्रिक्स के ही अकॉर्डिंग, जो सीट का मैट्रिक्स अपलोड है उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज का चॉइस कीजिएगा। तो सीट का मैट्रिक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हर कॉलेज का आपको सीट का मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं सीट मैट्रिक्स को पूरा दिखाऊंगा और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट भी बताऊंगा, तो ध्यान से बने रहिए पूरे वीडियो के लास्ट तक। जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका चॉइस है वो चॉइस जो आपने पहले फिल किया, यानी जिनके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड था और जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और जो उन्होंने कॉलेज का चॉइस वगैरह दिए थे, वो सारा चॉइस वगैरह को आपको हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बस समझिए कि आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है और फिर से आपको सारे स्टेप्स को सही से कंप्लीट करना है बिना किसी फॉल्ट के। अगर इस बार आप फॉल्ट करते हैं देन फिर आपको सपोर्ट करना फिर बेहद ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इस प्रकार की गलती आप कुछ भी ना करें जिससे कि आपका अलॉटमेंट ना आए, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट का वहाँ अलॉटमेंट आया, कई सारे कैंडिडेट ने वहाँ पर एडमिशन भी ले चुके हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट के लिए स्टैंड अप हैं। तो प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि गलती कुछ भी ना हो।
हूँ। अगर गलती होगा तो फिर उसे करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इस बार आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो सारा चॉइस वगैरह है, जो सारा आपने डिटेल्स वगैरह को फिलअप किया था, वो सारा डिटेल्स आपको हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर बना है, वो पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जो आपने एप्लीकेशन फी दिया 400 रुपीज़ का, वो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के चार्ज को दे रखे हैं। वैसे कैंडिडेट जो फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, मात्र उनको 400 रुपीज़ का चार्ज देना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ये आपको एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही इसका पेमेंट करना है, अगर जो नए कैंडिडेट होंगे उनका। वहीं MBA कैंडिडेट के लिए भी बताया गया कि MBA का मेधा सूची अभी तैयार नहीं हुआ है, मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जब यह प्रक्रिया संपन्न होगी तो मेधा सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें वोकेशनल कोर्स का एक ऐसा कोर्स है जिसका नाम MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस कोर्स में आपका अभी अलॉटमेंट कैंडिडेट का आया था, बट मेरिट लिस्ट नहीं बना था। जो अलॉटमेंट आया था वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर था, तो इस अलॉटमेंट लेटर से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक लिस्ट बनेगा जिसके बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो वो अभी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कल से स्टार्ट होगा, और कल जब सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आपको पूरा लाइव वीडियो बना करके दिखाऊंगा, जिसमें हर स्टेप्स के बारे में दिखाऊंगा, और ट्राई करूंगा कि एक दो कैंडिडेट का मैं खुद से करूं ताकि आपको पूरा क्लियर सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। अभी हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं सीट का मैट्रिक्स कैसे आप पे इफेक्ट करता है, और किस तरीके से आपको सीट का मैट्रिक्स चेक करना है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए रिलीज की है, जो कि आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है पीजी के एडमिशन में। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, और यहाँ जो सीट अवेलेबिलिटी का जो सेक्शन है, इसी से आपका सीट का मैट्रिक्स चेक होगा, चेकआउट होगा। तो सीट मैट्रिक्स वाले जैसे ही ऑप्शन, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सीट अवेलेबिलिटी का, अगर इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, देन अभी पुराना वाला ही अपडेट है, इसे अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली आपको एक PDF जनरेट होगा, जिसमें हर कॉलेज का या हर डिपार्टमेंट का या नाम रहेगा, यहाँ पे उसका कैटेगरी रहेगा और कितना सारा सीट बचा हुआ है। क्योंकि अगर जिस कैटेगरी में या फिर जिस कॉलेज में सीट कम बचा हुआ है, और अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं और अगर आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं है, देन फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, देन आपके लिए फिर से इशू हो जाता है कि आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो वैसा गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये सीट का मैट्रिक्स अभी PDF रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही PDF रिलीज होता है हम अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा सीट का मैट्रिक्स का प्रॉपर आइडिया आपको मिल जाए। कल का जैसे ही वीडियो होगा, कल का वीडियो मैं लाइव बना करके दिखाऊंगा, और जो भी कैंडिडेट को अप्लाई वगैरह कराना रहे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर जिनके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो वैसे कैंडिडेट। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।